S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS. ध्यान से देखिएगा, angle P इसको बोल रहे हैं is equal to angle RTS. ये RTS this angle, ये दोनों angle आपस में same है, ये आपको given है. Now we have to show that triangle RPQ, this one RPQ, ये पूरा बड़ा सा ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको, इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS. ये RTS जो छोटा ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, तो ये पूरा बड़ा सा ट्रायंगल और ये छोटा सा ट्रायंगल जो RTS बन रहा है, ये दोनों सिमिलर है, ये आपको प्रूफ करना है. एक्चुअली बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखिए, ओरली बता सकता हूँ मैं आपको और शायद आप खुद भी समझ गए होंगे. दोनों ट्रायंगल में इस छोटे ट्रायंगल का एंगल टी इस बड़े से ट्रायंगल पी के साथ इक्वल है, तो क्वेश्चन में गिवन है. और अगर आप देखें तो एंगल आर दोनों में कॉमन है. आप ट्रायंगल आर टी एस बोलिए या ट्रायंगल आर पी क्यू बोलिए, दोनों में एंगल आर कॉमन है ना. तो सिंस दो एंगल आपने सिमिल सेम प्रूफ कर दिए, दोनों ट्रायंगल के दो एंगल आपने सेम प्रूफ कर दिए, इसका मतलब बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे. बस यही आपको करना है. मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन एक्चुअली फिगर में गिवन नहीं था ना, ये खुद आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ता आपको पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर ड्रॉ करना पड़ता आपको, फिर उसमें एस और टी दो पॉइंट्स बनाने पड़ते, फिर उनको ज्वाइन करना पड़ता आपको. ये पूरा करना था आपको, मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले से फिगर बना के रखा हुआ था. नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, ठीक, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, एज वेल एज एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, दोनों ट्रायंगल में एंगल आर कॉमन है. तो आप बोल सकते हैं बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. उसको लिखेंगे कैसे, वी नो दैट टू एंगल्स ऑफ, ये विच इम्प्लाइज, इन दोनों से जो हमको पता चल रहा है ना, एक जो गिवन है और एक कॉमन है, इन दोनों से हमको क्या पता चल रहा है कि टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली. एक्चुअली कॉमा नहीं लगाना चाहिए, टू ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली. आप चाहें तो इसको इक्वेशन वन और इसको टू बोल सकते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू ये चीज आपको पता चल रही है, विच इंप्लाइज दैट, या फिर लिख भी सकते हैं देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, हेंस प्रूव्ड. यही आपको शो करना था एक्चुअली. सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन. लेट अस मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. We'd love for you to subscribe to our channel.